नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डिंग डॉग बेल है जिसको हम ये दो बेल पुश की स्विच की हेल्प से दो जगह से कंट्रोलिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने स्विच को ऑन किया और इसको मैं प्रेस करता हूँ एक जगह से, तो ये हमारा बेल पुश काम करेगा डोर बेल। और इसी तरह दूसरी जगह से कंट्रोलिंग कराऊंगा तो यहाँ से भी ये काम कर रहा है, यानी हम दो बेल पुश स्विच का यूज़ करके एक बेल को हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे आप दो बेल पुश स्विच का यूज़ करके एक बेल को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो पहले हम जो एसेसरीज यूज़ होगी उसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी वन वे स्विच है जो आप मार्केट से आपको 20 या 30 रुपये का नाम मिल जाएगी। इसके बाद ये जो हमने दो बेल पुश स्विच का यूज़ किया है तो वो भी आपको मार्केट से 30 से 40 रुपये का अराउंड मिल जाएगी। और ये ब्रांड पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी ब्रांड की लेते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा आएगी। ये हमारा डिंगडॉल बेल है जो यहाँ से मैंने 162-220 रुपीस लिया, मगर आपको 100 रुपये से अराउंड भी मिल जाएगा, ठीक है। वो ब्रांड पे डिपेंड करेगा, यानी 100 रुपीस से 200 या 200-250 रुपये के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वायरिंग होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा डिंगडॉल बेल आ गया, ये आपका जो मेन स्विच बोर्ड है घर का जहाँ से हम फेज लेंगे, ये हमारी वन वे स्विच, ये हमारा जो डिंगडो बेलपुश स्विच है उसके दो टर्मिनल होंगे इस तरह से। ये हमारा बेलपुश स्विच, क्योंकि हम दो बेलपुश स्विच का यूज़ करेंगे और एक डिंगडो बेल को ऑपरेट कराएंगे। तो ये जो डिंगडो बेल होते हैं यहाँ से उसके इस तरह से आप देख सकते हैं दो वायर निकले होंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे डिंगडो बेल होंगे यहाँ से उसके दो वायर निकले होंगे, ये दो वायर में से कोई भी वायर में फेज या न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। वो आप आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। तो ये हमारा फेज वायर निकलेगा इस तरह से और वो पहले जाएगा यहाँ पे, मैंने वन वे जो हमारी स्विच है वहाँ पे भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो वन वे से उसका जो ऊपर का टर्मिनल है, मोस्टली जो हम फेज होते हैं लाइव वायर वो हम नीचे देंगे, ठीक है। जो भी हमारी वन वे या जो भी हम स्विच उसके हमेशा आप नीचे दीजिए, यानी आपको आसानी होगी समझने में कि फेज़ नीचे होता है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे मेन बोर्ड से बताया, यहाँ से अगर आपकी MCB होगी वहाँ से भी आप सप्लाई ले सकते हैं, मतलब में जहाँ पे आपका फेज़ आ रहा होगा वहाँ से आप फेज़ का लूप निकाल के इस तरह से वन वे स्विच में दे सकते हैं। अगर आपको वन वे स्विच का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो ये हमारी बेलपुश स्विच है वहाँ पे भी डायरेक्टली आप फेज़ यहाँ पे दे सकते हैं नीचे, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक बार बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे कनेक्शन करना है। तो ये हमारा फेज़ नीचे आ गया। इसके बाद हमारा पहले हम ये बेलपुश स्विच का देखते थे, तो यहाँ से जो बेलपुश स्विच है वहाँ से उसका एक टर्मिनल से वायर निकालेंगे और जो हमारी दूसरी बेलपुश स्विच है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है। ये ने हम यहाँ लूप हमने लगा दिया इस तरह से और फिर यहाँ से फेज़ वायर निकल के यहाँ पे नीचे देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वन वे स्विच से निकल के यहाँ पे देना है, जिससे कि जब हम वन वे स्विच को ऑफ करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगा, ऑन करेंगे तभी सप्लाई हमारी बेलपुश स्विच में जाएगा। तो ये इतना हमारा फेज़ का वायरिंग अभी हो चुका है, ठीक है। अभी जो आउटपुट निकलना है यहाँ और यहाँ से वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं ये आपको ये ऑरेंज कलर से वायर से मैंने यहाँ पे दे दिया, ये दो वायर उसमें से कोई भी वायर में आप बेल के कोई भी वायर में वो लगा सकते। ये ऑरेंज वायर जो है हमारा बिल्कुल वहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है फेज़ न्यूट्रल की, ठीक है। कहीं भी कोई भी जगह पे आप लगा सकते हैं फेज़, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी फेज़, कोई भी जगह फेज़ न्यूट्रल लगा सकते हैं। और दूसरा हम जो बिल्कुल यहाँ से व्हाइट कलर से वायर वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी ये जो आउटपुट निकालेंगे बिल्कुल वो एक ही वायर में लगाना है, ठीक है। अगर आपने ये वायर चूज़ किया तो वहाँ पे ही लगाना है, ये वायर चूज़ किया तो यहाँ पे लगाना, मैंने यही चूज़ किया इसलिए हम यहाँ पे ही दोनों वायर के कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, हो गया। इतना वायरिंग हो जाए, अभी हमारा न्यूट्रल का देखें तो न्यूट्रल हम निकालेंगे सिंपल और डायरेक्टली हमें ये जो बॉर्ड से आपने लिया होगा न्यूट्रल वहाँ पे देना है, या फिर आपने MCB से लिया होगा तो MCB का न्यूट्रल में देना है। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल वायरिंग है। फेज हमने वन वे स्विच में लेके गए, फिर हमारे ये बेलपुश स्विच में इस तरह से लूप लेना है यहाँ से और इसका आउटपुट सिंपल निकाल के बेल डिंगडोल बेल में दे देना है, ठीक है। यानी ये हमारा डिंगडोल बेल दो जगह से ऑपरेट होगा। तो ये हमारा एनिमेशन वायरिंग हो चुका है, अभी हम प्रैक्टिकली वायरिंग भी देख लेते हैं। देख सकते हो जो बेल कनेक्शन के लिए जो एसेसरीज का यूज़ है वो हम देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे स्क्रू वायर स्ट्रिपर का यूज़ करेंगे, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हमने बेल पुश स्विच का यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल का जो सिंबल, ये हमारी बेल पुश स्विच है, इस तरह से उसको प्रेस करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाती है, फिर से अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। तो यहाँ पे हम दो बेल पुश स्विच का यूज़ करेंगे, ये हमारी वन वे स्विच है। एक अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं आपको यहाँ पे इसका बताऊँगा कैसे इसका वायरिंग किया जाता है, ठीक है, वन वे स्विच के साथ। और इसको अगर आपको इस तरह से गैंगवे वन वे गैंग बॉक्स में करना है तो इस तरह से आप अलग से वन वे गैंग बॉक्स ले सकते हैं इस तरह से लगाने के लिए। और जो ये हमारा जो मेन है, ये बे हमारा बेल जो मार्केट से आपको 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपये के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिंग डोंग बेल है और ये मैंने ग्रेट वाइट ब्रांड का है, 108 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एसेसरीज परचेस कर सकते हैं। तो अभी इसका हम पूरा वायरिंग देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका वायरिंग किया, सिर्फ मैंने अभी फेज़ वायरिंग किया। तो ये आपको बता दूँ, इस तरह से हमारी दो बेलपुश स्विच है और ये हमारी वन वे स्विच है। तो इसका पीछे का कैसे कनेक्शन है फेज़ का वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी वन वे स्विच है यहाँ पे आप इमेजेस में भी देख सकते हो, ये हमारा मेन फेज़ यहाँ पे आएगा। अब भी हमने मेन फेज़ नहीं दिया, यहाँ से फिर उसका आउटपुट जाएगा, ये हमारी बेलपुश स्विच के नीचे दो टर्मिनल है वहाँ पे नीचे देना, इस तरह से देख सकते।
और फिर यहाँ से ही हम विक्स का लूप निकाल के देंगे यहाँ पे दूसरी जो हमारी ये बेल पुश स्विच है उसके नीचे के टर्मिनल में ही देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ये फेस का भी वायरिंग हो चुका है। अभी हम इसके जो आउटपुट हमें निकालना है बेस पुल स्विच में से वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको फेस का वायरिंग बता दिया, अभी जो हमारी ये जो दो बेल पुश स्विच है तो यहाँ से उसका जो ये दूसरा टर्मिनल है वहाँ से एक वायर हम निकालेंगे, और उसी तरह ये दूसरी हमारी बेल पुश स्विच है उसका एक दूसरा वायर यहाँ से आउटपुट इस तरह से निकालेंगे। यानी ये दो वायर हमने निकाल दिए, और ये जो हमारी रिंग डॉल बेल है हमारा बेल जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं दो वायर निकले। तो आप यहाँ पर कोई भी जगह पर ये दो वायर का कनेक्शन करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई भी करना, ठीक है। इसमें कुछ पोलैरिटी जैसी कुछ चीज़ नहीं, यानी फेज़ ये न्यूट्रल ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ये दो वायर में से किसी भी वायर में आप इस कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम ये हम इसका ये एक तरह से इसका ये आउटपुट लेंगे इस तरह से, और इसका भी साथ में इस तरह से, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ साथ में, ये देखिए इस तरह से, और सिंपल यहाँ पर हम इसका कनेक्शन कर देना है। तो ये मैंने एक वायर यहाँ पे डाल दिया इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा वायरिंग हो चुका है, फेस का हो चुका, भी न्यूट्रल का बाकी है। तो ये मैंने ब्लैक कलर के वैसे न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे इस तरह से इसका यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर आप आपके हिसाब से लंबा रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रल का वायरिंग हमने ये एमसीबी में दिया है, अगर आप मेन बोर्ड आपका घर में होगा तो वहाँ पे एक जो न्यूट्रल होगा वहाँ पे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एमसीबी यूज़ किया, ठीक है। ये न्यूट्रल का वायरिंग हो चुका है, यहाँ से जो हमारे जो डोर बेल है तो उसके दो वायर निकलेंगे, कोई भी वायर में आप फेज़ न्यूट्रल दे सकते हैं। मैंने फेज़ यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ये न्यूट्रल यहाँ पे हमारी मेन डबल कोल के एमसीबी का, और जो फेज़ मेन है जो आपके मेन बोर्ड से भी आप फेज़ वो निकालेंगे तो ये आप यहाँ पे वन वे स्विच में नीचे देना है, जैसे मैंने आपको आगे वीडियो में भी बताया था। तो नीचे हमें यहाँ पर फेज़ देना है इस तरह से, तो ये हमने मेन फेज़ यहाँ पे दे दिया। अगर आप ये वन वे स्विच का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली जो हमारी बेल पुश स्विच है उसके कनेक्शन वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना होगा, ये मेन फेज़ है तो फिर डायरेक्ट इसको यहाँ से निकल के यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे देना रहेगा, ठीक है। अगर ये आप वन वे स्विच का यूज़ करना नहीं चाहते, इसको ऑपरेट करना नहीं चाहते, डायरेक्टली आप आपका मेन बोर्ड या एमसीबी से डायरेक्टली आप इस तरह से इसको वर्किंग कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये फेज़ जो मैंने आप यहाँ पर लगाया ये वाला, इसको निकाल के यहाँ पे लगा देना नीचे, ठीक है, यानी दोनों में फेज़ मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है, तो ये हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वायर खुले रखे क्योंकि लूज़ वायरिंग मैंने किया, अगर आप करते हो तो आपको इंसुलेशन टैप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है, अभी हम एमसीबी को ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन जैसे ही एमसीबी ऑन किया फिर भी ये अभी वर्क नहीं करेगा इस तरह से, ये देख सकते हैं दोनों वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने ये स्विच को अभी ऑफ रखा है। जैसे इसको मैं ऑन करूँगा तभी यहाँ पर सप्लाई पास होगा सभी स्विच में से, और जैसे मैं इसको करूँगा तो इस तरह से हमारा डोरबेल वर्क करेगा। ये एक जगह से हो गया, अगर आप दूसरी जगह से वर्क करना चाहते हो यहाँ से इस तरह से इसको वर्क करा सकते हैं, यानी जो ये हमारा डोर बेल है उसको आप दो जगह से काम करा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेन स्विच को बंद कर दूंगा यहाँ पे तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वन वे स्विच का यूज़ किया, अगर आप नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से फेज़ यहाँ पर दे दीजिए तो ये दोनों इस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है, और आपको मैंने प्रैक्टिकल डेमो भी बताया, इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट पता नहीं चला था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।